तो अभी गाइस हमने रिसीव किया है ये बॉक्स, देखो बड़ा सा, जिसके अंदर पता है क्या है, इस पे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आज है महाशिवरात्रि, तो मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से सबको हैप्पी महाशिवरात्रि। अभी उठेंगे, नहाएंगे धोएंगे, फिर चलेंगे मंदिर में। फिलहाल तो अभी चलते हैं पार्क में, थोड़ी देर ऐसे घूम फिर के आते हैं भाइयों के साथ में, और फिर चलेंगे नहा धो के। आप इतने क्यूट क्यों हो? क्योंकि मैं कुछ लगाता हूं। क्या लगाते हो? जो भी। शूज तो मस्त लग रहे हैं। कुनाली हम कहाँ जा रहे हैं? तो पीयूष तो अपना साइकिल लेके निकल चुका है। कुनाली रो रहा है। कुनाली उसने बैठने का है ही नहीं, कहाँ बैठोगे? तो आज इतना प्यारा कैसे लग रहा है, पहली बार? हाय हाय, कौन कौन खेल रहा है भाई? चलो हम दोनों गए। मिला साथी बेमिला चोर। चलो 10 सेकंड रह, भाग लो सारे। कहाँ जाने? ऊंच नीचे, मेरे नीचे देखो। आप ऊंच, आप नीचे पे आ गए तो मैं आपको टच करा तो आप मैडम। पकड़ा गया। तो अभी गाइस हम तीनों भाई तो मस्त नहा धो के रेडी हो गए हैं। अब चलते हैं मंदिर जल चढ़ाने के लिए। अभी साहिल तो उठा नहीं, साहिल तो भी रेडी होएगा, उसके बाद ही जाएगा। हम चलते हैं फिलहाल। चलो। तो अभी गाइस हम निकल पड़े नंगे पांव, देखो क्योंकि पास के सामने मंदिर है, ज्यादा दूर नहीं जाना है। अभी वेटिंग में गिरना मत, हां ध्यान से। ओलू सरदा गए हैं। तो मम्मी जी यहां पे हरी सब्जी काट रही है। क्या बना खाने में? क्या बना मम्मी? पुलाव। ये देखो चावल क्या हाल हो गया, सारे मटर मटर ऊपर आ गए हैं। ऐसा लग रहा है सिर्फ मटर बना रखे हैं, चावल इसके नीचे छुपे हुए हैं। तो अभी गाइस हमने रिसीव किया है ये बॉक्स, देखो बड़ा सा, जिसके अंदर पता है क्या है, इस पे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो। इसके अंदर एक साइकिल है, वो भी कुनाली के लिए। अभी पता नहीं भेजी किसने है, मतलब हम थोड़ा बहुत खोल के देखा, देखो इसमें साइकिल है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है भेजा किसने। तो चलो अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कैसी साइकिल है। कुनाली देखो, पहले तो इसके पुर्जे अलग करो, असेंबल करनी पड़ेगी। पहले इसको रैप खोलना पड़ेगा, इसका पूरा ये भी आया सौरभ जोशी। अरे लिखा तो हुआ है। अभी अभी जस्ट लेटर देखा जिन्होंने भेजी है, उनका नाम है रियांश कोहली। तो थैंक यू सो मच फ्रॉम लुधियाना। वैसे कुनाली के लिए ना मैं खुद ही साइकिल लेने वाला था, अब यही आ गई एकदम से सडनली। मैं कहा यार ये क्या हो गया, एकदम से शॉक हो गया हम, साइकिल कहाँ से आ गई। ये देखो इसके ना साथ में चार टायर होते हैं इसमें, इससे आप गिरोगे नहीं, पता है। इसको ना यहाँ पे लगाएंगे, देखो ऐसे यहाँ पे लग जाएगा ऐसे, फिर आप गिरोगे नहीं। अब तो अभी गाइस दादा और सौर दादा मेरी साइकिल बना रहे हैं, और बड़ी मी यहाँ बैठी है, बड़ी मी मेहंदी लगा दी है। अभी मेरी साइकिल ठीक हो चुकी है, ये सीट भी लगा दी। खराब कब हुई थी? तो गाइस अभी मेरी साइकिल जुड़ चुकी है, और सीट भी लगा दी, पैडल भी लगा दी, और दादाजी भी आ चुके हैं, पीयूषा भी आया है, सौरदा भी आया है। कहाँ से आए हैं भाई? अरे ये कहाँ लगेगी? ये बोतल है। क्या करोगे कुनाली, इसमें दूध पियोगे? फिर क्या पियोगे? पानी क्यों पियोगे? जब पार्क में थकूंगा तब पियूंगा। अरे इसकी सीट लगाओ। तो फाइनली गाइस कुनाली की साइकिल असेंबल हो चुकी है, और काफी मस्त लग रही है। तो कुछ ऐसी लग रही है, रेड एंड ब्लैक कलर की है, और पीछे देखो ये साइलेंसर की तरह लग रहा है। अभी इसमें चार टायर लगे हैं ना, तो गिरेगा नहीं कुनाली। तो गाइस कुनाली की साइकिल तो अनबॉक्स कर लिया है, अब ये एक और बॉक्स आया था मेरे पास में, ये भी अनबॉक्स करते हैं। अभी देखते हैं, खोल के देखते हैं क्या है इसमें। मैं समझ गया इसमें क्या है, इसमें भी कुनाली के लिए सामान है, कुनाली और पीयूष के लिए। देखना कैसे भागते हुए आ रहे हैं बता। इसमें लेकिन खेलने की चीज़ नहीं है, काफ़ी सारा सामान है इसमें। तो गाइस इतना कुछ सामान आया है हॉबी क्राफ्ट इंडिया की तरफ से, तो चलो सब कुछ अनबॉक्स करते हैं और दिखाता हूँ। ये देखो ये है पेंसिल्स, एक एक चीज़ अच्छे से पैक कर रखी है। तो ये हैं दो क्यूट क्यूट से शार्पनर, ये पेंसिल वगैरह रखने के लिए, पेंसिल पेन। इसके अंदर देखो ये इस तरह से खुलता है, इसके अंदर रख सकते हैं, और फिर इसको बंद कर दो ऐसे ऐसे, इसको बंद कर दो। रबड़ का है ये पूरा भाई, काफ़ी क्यूट सा है, क्यूट सा है ना। इसके अंदर हैं इरेजर्स, देखो कितने सारे कलर्स हैं, इससे कुछ बनाएंगे। मैं भी बनाऊंगा। हाँ आप भी बनाना। स्केल अब इनको रख देते हैं, जब तुम्हारे स्कूल खुलेंगे ना अगले महीने से तब यूज़ करना। तो फिलहाल लंच करते हैं वही चावल। आजकल मैं दो टाइम खा रहा हूँ खाना, जैसे सुबह भी खाया था, अब दिन में भी, रात को अलग खाएंगे बस। घर में आ गया था, दो टाइम सेम खाना
और रात को अलग खाना। तो भाई यहाँ चल रही है डिनर की तैयारी, आज डिनर में बनेगी भिंडी। तो कुनाली फर्स्ट टाइम रोड पे साइकिल चलाएगा। कुनाली ओए गिर गया। कुनाली आपका भी बहुत कुछ सीखना है। अरे चल जाएगी धीरे धीरे, ढीला हो गया ना ये बहुत। सुन बस ऐसे ही चलाते रहो, आगे देख के हैंडल को सीधा रखो। मेरे को अपने बचपन के दिन याद आ रहे, मेरे पास भी स्टार्टिंग में यही साइकिल थी। तो गाइस अभी मैं साइकिल चलानी सीख रहा हूं। तो क्या कर रहा है ये पागल, मार खाएगा। हाँ बता रहा हूँ, ऐसी हरकत करेगा तो ये सही है भाई। तो गाइस यहाँ पे चल रहे भजन कीर्तन, और मम्मी और चाची भी आ चुके हैं यहाँ पे। मम्मी का पहला कीर्तन है यहाँ का। तो गाइस एकदम मस्त वाली वाइब्स आ रही है, भजन कीर्तन चल रहे हैं मस्त। आज शिवरात्रि है ना, अब फिलहाल हम भी चलते कहीं घूमने के लिए। तो फिलहाल चलते हैं थार लेके। तो अभी गाइस हम जा रहे हैं गेम ऑफ भैया से मिलने के लिए, बहुत टाइम हो गया उनसे मिले भी, उनका बर्थडे भी आ गया था, तो अभी मिलते हैं उनसे। तो फाइनली वायरस तो पहुंच चुके हैं। जिंदगी मेरी तुझ में समाई। कैसा गाना, कैसा लगा? मस्त भाई, मजा आ गया। भूले तो नहीं हमको, भूले तो नहीं भाई? आप भूल गए, मैं नहीं भूला भाई। कैसे हो? बढ़िया बढ़िया भाई। ओ मेरे भाई। और कैसे हो? मस्त भाई, आप कैसे हो? बस बढ़िया बढ़िया। पैर छू रहे कुनाली। कैसे हो कुनाली, जानते हो इनको? जानते हो? तो फाइनली बहुत टाइम के बाद गेम ऑफ लिबिया से मिल रहे हैं, और इनका डांस चल रहा है यहाँ पे मस्त। हमने सोचा प्रीमियम बंदे से मिलने के लिए प्रीमियम रेस्टोरेंट में जाना चाहिए। भाई मैंने इनको पहले बता दिया था कि मेरा एक्चुअली व्रत है आज, इनने बोला कि मुझे मिलने के लिए। खाना पीना तो चलता रहता है, मिलने के लिए। गेम ऑफ लिबिया का तो व्रत है, हम ही थोड़ा बहुत सूप पी लेंगे हम बस। चलो ऊपर भी है क्या? अरे भाई ऊपर भी, ऊपर तो मैं कभी नहीं आया था। ऊपर भी मस्त है बैठने का भाई, इसमें गद्दियाँ नहीं है। तो गाइस ऊपर तो बैठने का है नहीं, वहाँ गद्दियाँ नहीं लगी हुई, हम नीचे चलते हैं, नीचे ही बैठते हैं। सूप पी हो गए ना? सूप ठीक है ना? नहीं नहीं उनका वर्त है, उनका वर्त है भाई। पूरा पानी पी दिया उसने नए गिलास है करके। अच्छा लगा इसमें पानी पी के? दूध पियोगे? हाँ दूध पियोगे इसमें। तो गाइस हम तो सूप पी के आ गए, अब चलते हैं हम भी घर। काफी अच्छा लगा बहुत दिनों के बाद ऐसे मिल के। तो अभी गाइस शाम के 7 बज चुके हैं, हम घर पे आ गए थे, अब फिलहाल यहाँ पे चल रहे हैं मस्त भजन कीर्तन सबका। तो चलो गाइस यहाँ पे हमारे तो भजन कीर्तन चल रहे हैं, और इन तीनों का तो पता नहीं क्या चल रहा है। दिल में बजाते रा दरबार, मैया तेरी दरबार। तो अभी गाइस फिलहाल डिनर करते हैं, आज बनी मस्त लौकी भिंडी रोटी, और मम्मी जी और चाची का तो आज व्रत था। तो अभी गाइस खाना पीना खा के आ चुका हूँ, अब मुझे आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है, ध्यान से सुनना अगर आप हेल्प कर सको तो। एक छोटी सी बच्ची है, उसको फंड रेज की बहुत जरूरत है, बिकॉज वो हॉस्पिटल में है, और क्या क्या प्रॉब्लम है वो आप पढ़ लेना पूरे, मैं आपको लिंक दे दूंगा इसका। और प्लीज़ हेल्प करना थोड़ी बहुत फंड, थोड़ा बहुत डोनेट कर देना, बाकी जितना मुझसे हो सकता है उतना मैं कर रहा हूँ। मेरे पास इतनी ऑडियंस है तो मैं आपको बोल सकता हूँ, अगर आप थोड़ा थोड़ा भी करोगे तो एक ही दिन में पूरा हो जाएगा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। बाकी मुझसे जितना मैं कर रहा हूँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो हाँ चलो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक करना पूरा आर्टिकल पढ़ो, और कोई फेक नहीं है ये, फेक NGOs फेक मेरे पास आते रहते हैं, इसलिए मैं कभी मतलब वीडियो में बोलता नहीं हूँ, करता नहीं हूँ। वैसे मैं डोनेट कर देता हूँ, बहुत कुछ करता हूँ मैं बोलता नहीं, बिकॉज फिर ना घर घर पे आने लग जाते हैं। तो हाँ ये रियल है, आप पढ़ लेना अच्छे से, और हाँ प्लीज़ थोड़ा बहुत भी अगर आप कर सको तो प्लीज़ छोटी सी बच्ची के लिए। बस मुझे इतना ही बोलना था, फिलहाल मैं इस ब्लॉग को एंड करता हूँ। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते गाइस जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो गाइस अभी बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आई है कि मेरा सिलेंडर आ चुका है।